चलाएंगे जैसे चलाते थे, खाते थे वैसे कमाए खाएंगे, लेकिन कानून वापस होना चाहिए। हमें काम लगी है, सब कहीं काम लगी है, सभी के कहीं काम लगी है, कोई हम दो जाए हुए हैं। इधर भी जाम लग गया है, देख सकते इधर भी जाम लग गया है, और ड्राइवरों का हंगामा चालू हो चुका है, चक्का जाम लगा दिए लोग यहाँ पे आके, लोग हैं देख सकते हैं यहाँ पे आक्रोश मचाया हुआ है लोग हैं। इनका जो एम्बुलेंस है इनको निकालिए आप लोग ने, आप लोग गाड़ी चला रहे हैं, रोड टैक्स भर रहे हैं आरटीओ में, फिर इसके बाद टोल टैक्स भर रहे हैं, लाइफ टाइम मतलब जो जो टैक्स लगता है आप लोग सब कर रहे हैं, परमिट भर रहे हैं, बीमा भर रहे हैं, रोड टैक्स भर रहे हैं, पांच साल परमिट भर रहे हैं, इसके बाद टोल। नमस्कार दोस्तों, इस समय अपने जिला आजमगढ़ में है और यहाँ पे देख सकते हैं तमाम ड्राइवर लोग इकट्ठा होकर चक्का जाम किए हुए हैं, और देख सकते हैं यहाँ ऐसा मार्केट पड़ती है, इसी लोग बीच क्या कहना चाहते हैं, जो नियम आया है नियम के आप लोग विरुद्ध हैं कि अभी साथ दे रहे हैं? नियम है जी, हम नियम इसके खिलाफ है, खिलाफ है इसके। हाँ जी, हम गाड़ी नहीं लाएंगे, खिलाफ ही आई हम यहाँ, खिलाफ ही लाएंगे गाड़ी नहीं लाएंगे, हमारी मांगे पूरी की जाए, हमारी मांगे पूरी छोड़ देंगे बिल्कुल एकदम, जब तक कहां लाएंगे तब तक एकदम बिल्कुल हम लोग गाड़ी एकदम बंद करेंगे, पूरा चक्का जाम करेंगे। कब तक ये रहेंगे आप लोग? जब तक नहीं मानेगी सरकार हमारी। क्या नाम आपका है? प्रकाश यादव। कहाँ से हैं? आजमगढ़ से जी। आपकी जो जितने ड्राइवर टीम में सब एकता है? एकदम बिल्कुल एकता है, एकदम एकता है। क्या कहना चाहते हैं सरकार के माध्यम से? बिल्कुल हमारी कानून को वापस लिया जाए, ये नियम हटाया, काला कानून ये नियम वापस तुरंत हटाया जाए। इससे क्या दिक्कत हो सकती है? कोई काहे नहीं दिक्कत होगी, हमारे बाल बच्चे रोड हम जाएगी सरकार जेल, कहाँ से कोई कटेगा पता नहीं है, हमारी 5,000 रुपए महीने कमाने वाले कहाँ जाएंगे हम लोग कमाने के लिए? हम लोग कहाँ जाएं? 10 साल से हम लोग 10 साल जेल जाएंगे तो हमारे बाल बच्चा कहाँ जाएंगे? रोड पे रहेंगे, 7 लाख कहाँ से लाएंगे घर बेच के? मोदी जी नियम लाए हैं तो कुछ सोच समझ के ही लाए होंगे ना? अरे तो लाए हैं तो उनका विरोध हम लोग कर रहे हैं, हम लोग को नहीं मंजूर है उनके कानून को, बिल्कुल गलत है, सही रहेगा तो मानेंगे। आप कहना चाहते हैं? हम भी वही कहना चाहते हैं, 7 लाख रुपए कहाँ से आएगी? 10 साल जेल कौन कटेगा? ला के कहाँ से देगा? कोई घर द्वार बेचेगा? रोड पर भूखा मर जाएंगे लड़के बच्चे, ड्राइवरी तो करना ही है। आप लोग लड़ेंगे तो क्या विश्वास है आप लोग जीत जाएंगे? बिल्कुल विश्वास हम लोगों को, करते रहेंगे, बाकी सरकार के ऊपर है, हम अपनी कोशिश करेंगे, प्रयास हम लोग का जारी रहेगा, जब तक नहीं हमारी मांग पूरी होगी एकदम बिल्कुल हम लोग गाड़ी चलाएंगे नहीं, हिलाएंगे नहीं तक। हाँ देखिए बताए सरकार, ये लोग जो है स्वयं रोजगार पैदा करते हैं, ड्राइवर जो है ये रोजगार स्वयं पैदा करता है, स्वयं रोजगार लेकर आया बेचारा है, लेकिन ठीक है जो वो कानून पास किए हैं उस कानून में संशोधन होना चाहिए। जैसे वो कानून लाए हैं कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वह जो है व्यक्ति जो है पहले ड्राइवर उठा करके उसको हॉस्पिटल पर जाए, वो तो ठीक है, लेकिन माना कि अगर ड्राइवर अगर पकड़ गया, अगर जनता उनको पकड़ती है तब क्या होगा? वो हाँ ये उसमें संशोधन ला दे, अगर कोई इन पर वार पकड़ता है तो ये उतना ही जिम्मेदार होगा जितना ये ड्राइवर है, ठीक ना? पहले भी होता है कि अगर ड्राइवर एक्सीडेंट कर रहा है, जनता अगर पब्लिक इकट्ठा हो जाती है तो कुछ भी अनहोनी कर सकती जनता है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ तो वही आज भी वही कर रही है ना, अभी तो ध्यान होना चाहिए कि हमारे ड्राइवर के ऊपर जरा सा भी वार नहीं होना चाहिए, जो नियमता है ये ड्राइवर ले जाने के लिए तैयार, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो ये हॉस्पिटल तक पहुँचाने के लिए तैयार है, लेकिन इन पर वार नहीं होना चाहिए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार को कानून बनाते समय इस बात का ध्यान तो रखना चाहिए था ना। क्या नाम आपका है? मेरा नाम जेपी सिंह है जी। हाँ तो कम से कम इस कानून को आप सरकार घोर विरोध करते हैं? बिल्कुल घोर विरोध इसलिए किया जाएगा कि भाई जो भी कानून बनता है जनता के हित में बनता है, तो यार जनता जब पसंद कर रही, जनता विरोध कर रही है, जनता विरोध कर रही है तो इसमें संशोधन होना चाहिए कि ड्राइवर के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार के कोई भी आदमी हाथ ना उठाए, किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए, समझ गया? बिल्कुल साथ हैं। गाड़ी का इंश्योरेंस जब हम भरते हैं तो उसमें एक ड्राइवर, एक कंडक्टर, 4 लेबर, तो फिर ड्राइवर के ऊपर 5 लाख का 10 साल का जुर्माना और 10 साल का कैद, ये क्यों दिया जा रहा है? ड्राइवर क्यों भरेगा? तो गाड़ी कौन चलाएगा? 10 लाख को कहाँ से लाएगा? उसके पास 10 लाख रुपया होता तो अपनी गाड़ी खरीद करके अपना चलाता, हमारी कौन चलाएगा? चलाए लेकिन अपनी गाड़ियाँ आए, अपना मतलब ड्राइवरी कर रहा है आदमी, अपना ड्राइवरी करके रोजी रोटी करके अपना चला रहा है, अब मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको तो पहले जनता पकड़ेगी तो मार डालेगी जान से, मारने के बाद इसके बाद वो तो बेचारा भागेगा ही, चाहे हम हो चाहे आप, कोई भी भागेगा, अपना जान बचाएगा, जान भी बचा के भागेगा। अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं गाड़ी अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो ड्राइवर स्कूल उसको ले जाकर हॉस्पिटल में पहुँचाए, हॉस्पिटल में स्कूल को ड्राइवर को मौका मिलेगा पहुंचाने के लिए, उसको तो जनता मार के मुआ देगी वहीं पे, एकदम राइट मुआ देगा, तो वो आदमी वही हम लोग धरना कर रहे हैं भैया कि हम लोग का जो ये कानून लगाए इसको वापस किया जाए, हम लोग जैसे कमा खा रहे हैं वैसे अपना कमा खा। अच्छा आप लोग कानून को वापस करना चाहते हैं कि इसमें कुछ संशोधन कराना चाहते हैं? नहीं संशोधन हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग जैसे कानून ही वापस, 70,000 के हम लोग बीमा भर रहे हैं, 70,000 का हम लोग बीमा भर रहे हैं, क्या चीज़ का भर रहे हैं? हम लोग रोड टैक्स दे रहे हैं, टोल टैक्स दे रहे हैं, बीमा भर रहे हैं, परमिट भर रहे हैं,
हम लोग सब भर रहे हैं ना, तो हम लोग ये नाजायज जो लगा रहे हैं कि नहीं ऐसे होगा तो बड़े ड्राइवर खलासी कहाँ देंगे। मालिक तो अपना गाड़ी मारा, ड्राइवर अपना चला गया जेल, मालिक अपना किनारे हो गया, मालिक तो अपना गाड़ी लेके गया, ड्राइवर चलवाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे भैया। हम लोग को भी तो कोई रास्ता चाहिए ना, करना चाहिए। अगर गाड़ी एक्सीडेंट की है तो पहले जमानत ड्राइवर की होनी चाहिए, गाड़ी की बाद में होनी। अगर कानून मान लीजिए कानून वापस नहीं हो रहा है तो जो 24 का चुनाव आ रहा है तो आप लोग कुछ दिखाएंगे? नहीं, हम लोग दिखाएंगे। हम लोग भाई देखिए, हम लोग को नहीं होता, हम लोग अपने कानून से मतलब है। हम लोग कानून वापस ले लो, कानून लगाए इसको वापस किया जाए बस। हम लोग जैसे कमा कर रहे हैं वैसे अपना, राजनीति वाली बात नहीं है। अगर एकता रहेगी तो भाई दिखा सकते हैं आप लोग। राजनीति नहीं करना है, हम ट्रक मालिक है, हमको ड्राइवर नहीं मिलेंगे, हम गाड़ी अपनी भेज देंगे। बताइए, बीमा भी कराते हैं क्यों कराते हैं? जैसे हम लोग जैसे भी जो भी हुआ, डीजल 90 हुआ, 100 हुआ, हम लोग नहीं कुछ बोले। जैसे आदमी अपना चला रहा, अपना कर रहा, खा रहा ना, लेकिन ये नया कानून लगा रहे हैं इसको तो भाई हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम लोग अपना कमाने खाने वाला आदमी 10 रुपया इधर से उधर से गाड़ी वाले से ड्राइवरी करके कमा खा रहे हैं, आप एक एक नया कानून लगाते जाइए, हम लोग कितना बर्दाश्त करेंगे भैया? डीजल बढ़ाए, पेट्रोल बढ़ाए, हम लोग कुछ बोल रहे हैं भाई? सरकार का अपना चल रहा है, चलाने दीजिए, हम लोग को बचे या ना बचे, लेकिन भाई हम लोग चला रहे हैं। अब ये नया कानून लगा रहे हैं कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो ड्राइवर जो है कि हॉस्पिटल लेके जाएगा, इसके बाद उसका 10 साल की सजा होगी, 7 लाख जुर्माना भरेगा, हॉस्पिटल भी ले जाएगा, उसके बाद जिसका जेल भी जुर्माना भी होगा। जनता पकड़ेगी, छोड़ेगी थोड़ी ना, वहाँ मारेगी कि तुरंत छोड़ेगी? पहले तो मार दी बल भर जितना मारना। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनिए, कोई ऐसा चाल तो नहीं कि यहाँ की ऐसा कर दीजिए ताकि एक्सीडेंट कम हो जाए? नहीं नहीं, कानून वापस कर लें। ये बताइए, गाड़ी चल रही है, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, ट्रक से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, टेम्पो से जा रहे हैं, क्या कोई जान के एक्सीडेंट करता है? कोई नहीं करता है, नहीं भी इतना भाई पब्लिक बैठी हुई है, कोई बोल दो कि नहीं हम जान के एक्सीडेंट कर रहे हैं? अरे भाई, अनजाने में ही जो होता है एक्सीडेंट अनजाने में ही होता है। अब उसकी आप उल्टा सजा लगाए कि नहीं 10 साल की जेल, 5-7 लाख का जुर्माना, कौन ड्राइवर भरेगा? कोई अपना बेचारा चाटू लड़का पालन पोषण कर रहा है ड्राइवरी करके, उसकी तनख्वाह नहीं टाइम से मिल पा रही, डीजल हो गया इतना महंगा, पेट्रोल हो गया इतना महंगा, आदमी कहाँ से भरेगा बताइए? तो यही सब बात है, 5000 खाने वाला कहाँ से भर पाएगा? रोजी रोटी चला रहा है, इसके बाद आप एक एक कानून लगाए कोई ड्राइवर चलाएगा? अब भाई जैसे आप मीडिया वाले आप कर रहे हैं, तो आपको तो ये काम करना ही ना, हम ड्राइवर हैं, हमको तो करना ही, लेकिन ऐसा नियम लगा रहे हैं तो हम लोग कहाँ से उसको पूरा करेंगे? एकदम राइट राइट है, ये भी तो सकता है कि सरकार को सोच विचार के कर रही है भाई। सरकार देखिए, उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, अब जैसे उसकी सरकार कहीं रहे, हमको उससे नहीं लेना देना है। हम अपने पेट का बात कर रहे हैं, अपने खाने पीने की बात कर रहे हैं, अपने बच्चों जिलाने की बात कर रहे हैं, अपने पढ़ाई की बात कर रहे हैं। ये बताइए, हम मान लीजिए हम अपने घर के अकेले हैं, हमारा एक्सीडेंट मान लीजिए गाड़ी कर दी, हम कर दिए, हम गए जेल, हम 7 लाख जुर्माना, 10 साल का जेल कर दिया, हम अपने लड़के हमारे लड़का बच्चा कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे भैया? वो भीख मांगे रोड पे? आप हैं, आपके भाई होंगे, आपके चाचा होंगे, आप अपना देखेंगे कि हमारा देखेंगे? आप तो अपना देखेंगे, हमारा तो देखेंगे नहीं भाई। हमारे ही भाई आप हैं, लेकिन आप अपना देखेंगे, हमारा नहीं देखेंगे? तो भैया, हमारा चार ठो लड़का है, बच्चा है, मेरारू है, सब कहाँ जाएंगे हमारे औरतें? तो हमको तो भैया कोई रास्ता, ये सब एक ठो नियम अलग अलग से, हम बीमा भर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, फिटनेस कर, मालिक सब करके हमको दे रहा है ना, तो आप इंश्योरेंस ले रहे हैं ना, गाड़ी एक्सीडेंट हुई कुछ भी हुआ इंश्योरेंस वाला समझ रहा है ना, तो इसमें आप नया नियम क्या लगा रहे हैं? मतलब कहने के विचार है कि पेट्रोल मांगा हो, अनेक अनेक चीजें मांगी हुई, आप उसमें नहीं बोले? उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो सरकार, हाँ आज बोलेंगे, वो सरकार का फंडा है, कहाँ से कोई देगा बताइए? देखिए हम बताएं, जैसे सरकारी चीज मान लीजिए आप डीजल बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, वो आम जनता को बढ़ा रहे हैं, हमको उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सही बात, वो आप 500 रुपया डीजल कर दीजिए, हमको उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सही बात, लेकिन हमारा जैसे हम पेट पर्दा, हम ड्राइवर लोग हैं, खलासी लोग हैं, अपना कमा खा रहे हैं, हमारे पे क्यों एक नया नियम लगा रहे हैं? और बात से कोई मत नहीं होगा भैया, आप ही बताइए, ये भाई कानून खत्म होना चाहिए, हमारा सिद्धांत बात करने के लिए आइए। तो ठीक ठीक, हम लोग देखिए गाड़ी चलवा रहे हैं, रोड टैक्स भर रहे हैं RTO में, फिर इसके बाद टोल टैक्स भर रहे हैं, लाइफ टाइम मतलब जो जो टैक्स लगता है आप लोग सब कर रहे हैं, सब परमिट भर रहे हैं, बीमा भर रहे हैं, रोड टैक्स भर रहे हैं, 5 साल परमिट भर रहे हैं, इसके बाद टोल टैक्स भर रहे हैं, हम लोग को क्या सुविधा मिल रही है? कोई सुविधा नहीं मिल रही है। और इसके बाद ये अलग से नियम और लगा रहे हैं कि नहीं आप मतलब ड्राइवर मार दिया गाड़ी वाले को, आदमी पब्लिक को, तो चले 10 साल का जेल, मतलब सरकार का जो नियम है इस नियम का चलने नहीं देंगे, नहीं चलने देंगे, कानून गलत है, ये कानून गलत है, ये कानून गलत है, गाड़ियाँ हम लोग चलने नहीं देंगे, कानून गलत है, ये कानून गलत है। ड्राइवर कहाँ से लाएगा 10 लाख रुपए? 10 साल जेल काटेगा, फिर उसके बच्चे क्या करेंगे? बच्चे क्या करेंगे? कटोरा लेके भीख मांगेंगे, कटोरा लिए भीख मांगेंगे। क्या नाम आपका है? ब्रजेश। कहाँ से हैं? मैनपुरी जिला से। अच्छा, मैनपुरी जिला से हैं। हाँ,
सपोर्ट में है आप लोग, एकता है आप लोग, और क्या एकता नहीं देखो गाड़ी, एकता है हमारे लोग, ये गाड़ी खड़ी कर दी हमने। देख सकते हैं मैं कोई मैनपुरी से कोई जिला आजमगढ़ से तमाम ड्राइवर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम लोग की ड्राइवर एकता है, हम लोग भैया इकट्ठा होंगे तो ये बताइए ये एमपी से आ रहे हैं, अब मान लीजिए हमारी गाड़ी गई ये कलकत्ता गई वहाँ एक्सीडेंट कर गई तो ड्राइवर को तो मान लीजिए 5 लाख जुर्माना या 10 साल का जेल हो गया तो ड्राइवर अपने घर रहेगा कि जाएगा बार बार वहाँ तारीख देखने जाएगा कलकत्ता में जाके अपना ये कोर्ट में जाके प्रशासन से देखेगा। तो इसका बताइए इसका इसको वापस किया जाए, हम लोग यही मांग है कि इसको वापस किया जाए। डीजल पेट्रोल चाहे जो टोल टैक्स चाहे वो अर्जी करे हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, वो सरकार अपने स्तर से चला रहे हमको उससे कोई एक कानून वापस होना चाहिए। एक कानून वापस होना चाहिए। हम लोग अपना चलाएंगे जैसे चलाते थे खाते थे वैसे कमाए खाएंगे, लेकिन कानून वापस होना चाहिए। हम यहाँ मान लीजिए एमपी में गए, महाराष्ट्र में गए, दिल्ली में गए, मुंबई गए, कहीं गए, वहाँ जाकर एक्सीडेंट हो गया तो हम वहाँ जेल खटेंगे कि अपने लड़कों बच्चों को देखेंगे? बताइए हमारे बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मान लीजिए अभी हम चाहे 1000 कमा रहे हैं चाहे 10000 कमा रहे हैं, बच्चों को दिला रहे हैं, कल अगर हमसे एक्सीडेंट हो गया तो हम जेल जाएं, जुलबाना जाएं, इसके बाद हमारे लड़के बच्चे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे बताओ? तो हमको भैया इससे कोई मतलब नहीं है राजनीति से, हमारा कानून वापस करें, हम अपना जैसे कमाते खाते वैसे कमाएं। अमेरिका नहीं है, सऊदी नहीं है कि एक्सीडेंट करेगा ड्राइवर खड़ा रहेगा पुलिस लेके जाएगा, यहाँ तो मार के भजिया बना देगा। आइए बताइए अगर हम ही आप साथ में हैं, आप हमारे भाई, अगर आपकी हमारा एक्सीडेंट हो जाए आपके सामने तो आप उस ड्राइवर को छोड़ेंगे कि जान से मार देंगे वहाँ पे? वहाँ तो पब्लिक अंधा हो जाएगी ना। कहीं भी एक्सीडेंट होगा अगर ड्राइवर उसको बचाने जाएगा पब्लिक मारते मारते मार डालेगी। एक्सीडेंट होने पहले से ही चला आ रहा है, नई बात तो है नहीं। एक्सीडेंट होगा तो आदमी मान लीजिए ठीक है वो तो आदमी जो मरना था वो मर गया, जनता हो चाहे कोई भी आक्रोश में आके अनहोनी कर देता मारेगी, उसका क्या मतलब? जैसे था वैसे करें, हम लोग अपना डीजल पेट्रोल जो बढ़ाए हमसे मुर्दा हो जाती है, मुर्दा भी हो जाती है, पुलिस किसी काम की नहीं है। एक घंटे बाद पहुंचती है, ड्राइवर को मार के मुंगवा देगा तब पुलिस पहुंचेगी। भाई हम बोल रहे हैं जैसे घंटा दो घंटा बाद पुलिस पहुंचेगी क्या करेगी? मारने के बाद मारा खाया कोई पाता नहीं है, हम लोग को एक मेरा कानून ये कानून खत्म होना चाहिए, जब जाम खुलेगा। अच्छा हाँ हम लोग इसी पे बाकी हर चीज अब तक जाम रहेगा यहाँ पे आप अब जनता भी रहे हम लोग जब तक कोई प्रशासन कोई बात नहीं आती कोई बात नहीं लाती तब तक एसडीएम आ जाए, हम लोग साहब के साथ अपना रिक्वेस्ट करेंगे, हाँ जैसा बोलेंगे वैसा होगा, लेकिन इसको कानून को वापस करेंगे। सजा काटेगा रोडवेज में उसका मान लीजिए कोई एक्सीडेंट अकस्मात हो गया किसी का, बहुत कम ही टेम्पो वाले जो खुद का टेम्पो होता है, खुद का टेम्पो होता है, बहुत ऐसे है मतलब मान लीजिए टेम्पो होता है, बाकी बहुत लोग होते हैं जो अपने भाड़ा पे चलाते हैं, भाड़ा पे चलाते हैं। ये बताइए अगर उनका एक्सीडेंट हो गया वो जेल जाए अपना 7 लाख जुर्माना भरे तो अपना बेचारे परिवार को क्या करेंगे, परिवार उनका कैसे रहेगा? तो हम लोग यही भैया सोच रहे हैं कि भैया ये कानून सरकार से यही कहेंगे कि इस निर्णय को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, क्योंकि ड्राइवर में एकता जान लीजिए, अगर ड्राइवर में पूरे देश में अगर एकता हो गई तो कुछ भी हो सकता है। देख सकते तमाम गाड़ियां पे चक्का जाम हुआ है, मंडी जो है मंडी के सामने जैसे बात आपसे कर रहे हैं देख सकते हैं यहाँ पे तमाम उधर से लेके जनता दिखाई, थोड़ा पब्लिक देख सकते हैं, पब्लिक यहाँ पे हजारों में इकट्ठा हो चुकी है, तमाम गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, इधर भी देख सकते हैं, इधर अब देख सकते हैं आप लोग, इधर भी तमाम गाड़ियाँ कम से कम जो वहाँ पे बेलैसा का जो ओवरब्रिज है तहाँ तक गाड़ियाँ लगी हुई है, देख सकते हैं यहाँ पे आज ही से स्टार्ट हो चुका है आजमगढ़ की घटना ये है, और दिखाते रहेंगे आप लोग को। क्या नाम आपका है? नाम क्या ओ भाई, इधर भी जाम लोग देख सकते हैं, इधर भी जाम लग गया है, ड्राइवरों का हंगामा चालू हो चुका है, चक्का जाम लगा दिए हैं यहाँ पे आके लोग हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आक्रोश मचाया हुआ है लोग हैं। बोला 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 क्या करना चाहते हैं आप? देखिए वो और उस रोड पे जाम था ही, इस रोड पे भी जाम हो गया है, होना है ना, एकता दिख रही है ना? एकता है, एकता है ना, कानून वापस होना चाहिए। योगी जी से कह दीजिए कि भैया देखिए जाम लगा रहे हैं, आप जो कहना हो कहिए। आप एक ड्राइवर हैं? हाँ ड्राइवर ही जी। तो क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कोई अगर आदमी अगर मर जा रहा है, अगर कोई आदमी मर जा रहा है तो उसका जिम्मेदार हम नहीं होंगे। रात में डोल रहे हैं उनका कौन जिम्मेदार होगा?
गाड़ी तेजी में जा रही है, कोई मर जाए क्या चीज? अगर आप एल्कोहल पी के चलाएंगे गाड़ी तो कोई मरेगा तो जिम्मेदार नहीं होंगे आप? दारू पी के गाड़ी कौन चलाता है? एक गाड़ी नहीं जाने दूंगा मैं। ऐसा कौन सा कानून है जो ड्राइवर के लिए 7 लाख रुपए और 10 साल की सजा? हम लड़ेंगे उसके लिए, हम आपके लिए लड़ेंगे, दिखाइए आप लोग हमारी सरकार किसी को नहीं। जैसे हमारे कहने क्या कहना चाहते हैं मोदी जी को? हम यही कहेंगे कि जैसे कोई आदमी जा रहा है और रात में अगर लड़के मर जा रहा है तो हम उसका जिम्मेदार होंगे? गाड़ी हमारे पास कैसे? और बीमा देते हैं, बीमा भी तो घर का है। भैया भैया आप कहाँ से? मैं यूपी से अलीगढ़ से हूँ। अलीगढ़ से? हाँ। आप कहाँ से? मैं पेशेंट लेके आ रहा हूँ, मेरे को स्पेस नहीं है। कम से कम पेशेंट के लिए आप लोगों को स्पेस दो तो ये आदमी क्या करेगा? भैया एक बात सुन लीजिए, कम से कम जो एम्बुलेंस आ रही है कम से कम उनको जाने दीजिए ना, जो एम्बुलेंस आ रही है उनको उसको स्पेस दीजिए आप लोगों ने कम से कम। प्रशासन यहाँ पे सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ हम बाबा भोलेनाथ के पुजारी हैं, ठीक। उसके बाद मैं बता रहा हूँ रोड पे कोई आदमी अगर मर जाएगा तो उसका जिम्मेदार आप होंगे, माने उसको। और तुम भी तो गाड़ी चलाते हो यार, तुम भी तो गाड़ी चलाते हो, तुम्हारे पर कोई बात है कौन जिम्मेदार होगा उसका? ये तो होता सभी करते हैं। हम आपकी भावना समझ रहे हैं, रही बात की इनका जो एम्बुलेंस, सुने मेरी बात, इनका जो एम्बुलेंस है इनको निकालिए आप लोग ने, आप लोग मरीज है कम से कम गाड़ी निकलवाइए आप लोग ने, एम्बुलेंस निकलवा दीजिए ना, पीछे से एम्बुलेंस निकलवाइए, एक लाइन क्लियर कीजिए ताकि एम्बुलेंस निकले ना। बाकी आप लोग गाड़ी जो ना रोकना, आप लोग रोकिए कोई दिक्कत नहीं है, पर एम्बुलेंस खाली हो जाना चाहिए। पर रास्ते में एम्बुलेंस जो लग रही है कम से कम उसको खाली करिए आप लोग ने। अरे वो वाली बात नहीं, उसमें मरीज है ना, सुनिए ना, उसमें मरीज है तो मरीज में हॉस्पिटल भर्ती कराने के बाद आप बुलाइए उनको ना। रोक लिया ना, मैं नहीं करना चाहता हूँ। एम्बुलेंस का ड्राइवर ठीक है, कोई बात नहीं, जो इसमें मरीज है ना कम से कम हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद आप जाम लगाइए ना। अमित शाह को बोल दीजिए कि गाड़ी ऐसी बना जो पेशेंट को कुछ होगा। नहीं नहीं, वही हम कह रहे हैं ना, आप नहीं नहीं, कम से कम जो पेशेंट आ रहे हैं उनको कौन से रास्ते से हैं मुझे नहीं पता, मैं दिल्ली से, मुझे नहीं बताइए, मुझे नहीं पता यहां का रास्ता। आप लोग कुछ जुगाड़ करवाइए, ये गाड़ी जल्दी अटैक नहीं करो, कैसे निकलेगी?